देखो लास्ट क्लास में जो हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, उस क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो विशेष ऊष्मा की वहां पे जो सीवी का मान था वो क्या था, 3R था। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार कोई भी एनर्जी जो होती है, कोई भी पार्टिकल है, उसके पास टोटल एनर्जी के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, स्थिति ऊर्जा के या फिर गतिज ऊर्जा के, उन सबके करस्पोंडेंस जो काइनेटिक है, जो एनर्जी होती है उसमें ऊर्जा, उसका मान क्या होता है, 1/2 kT के बराबर होता है। जब हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो अगर मान लो किसी पार्टिकल के पास में एक स्थिति ऊर्जा का टर्म है और एक टोटल ऊर्जा का टर्म है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, kT। अगर n अणु है तो ये n kT हो जाएगा, और अगर इसके अंदर जो प्रत्येक अणु है उसके संबंधा की कोटि 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3n kT के रूप में निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले के आधार के ऊपर हमने जो cv है उसका मान निकाला था, cv क्या होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी सहायता से आपको क्या मिली थी, ये एनर्जी मिली थी। पर रियलिटी में देखा जाए तो ये आपके एक कांस्टेंट वैल्यू, तो आप इसका ग्राफ बनाओगे किस किस के बीच में, टेंपरेचर टी और किसके बीच में बनाओ, इसके बीच में, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके, कांस्टेंट 3R होनी चाहिए, ठीक है। पर रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए होता क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर है उसके ऊपर और हाई टेम्परेचर के अंदर जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकलने के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मैटर्स की स्पेसिफिक हीट की, तो उस कंडीशन में तो धातु के लिए तो वैल्यू थी वो क्या थी, अधातु के लिए अल्फा टी क्यू, धातु के लिए इसी बराबर अल्फा टी क्यू प्लस गामा टी, और इसी तरीके से रेखियों के आपके पास दो और प्रकार की प्रति संरचना थी उसके लिए सी क्या था, अल्फा टी स्क्वायर तथा श्रृंखला वाले के लिए अल्फा टी। देखो कि आप देखो मैंने आप देखोगे जो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के साथ में आप देखोगे तो मेनली जो चीज होती है इसके अंदर वो क्या होगी, ये टी क्यूब के रूप में इसके अंदर क्या होती है, वर्दी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जो आपके क्लासिकल मेथड था उसके अनुसार तो स्पेसिफिक हीट का मान क्या है, कॉन्स्टेंटली 3R होना चाहिए, जो कि एकदम गलत है, मतलब गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि ये थ्योरिटिकल जो क्लासिकल मेथड था उस आधार के ऊपर तो ये एनर्जी या फिर ये जो मान है वो निकाला गया, पर ये उस जगह पे गलत है जिस जगह पे बाकी वाले पार्टिकल के लिए या बाकी वाले जो धातु है या फिर बाकी वाले मैटर उनके लिए ये नियम सीवी बराबर 3R जब वो अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ सीवी बराबर 3R बाकी वाले धातु या बाकी वाले मैटर्स के लिए कब अप्लाई होगा, जब आप टेम्परेचर को क्या कर देते, बहुत अधिक टेम्परेचर कर देते, तो उस कंडीशन के अंदर जो है बाकी वाले जो मैटर्स है वो भी क्या करते हैं, क्लासिकल थ्योरी सीवी बराबर 3R को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या इस प्रॉब्लम को या फिर ये जो आपके एक्सपेरिमेंटल्स है जो रिजल्ट थे इनको वेरीफाई करने के लिए या इनके बारे में पढ़ने के लिए जो है वो क्या की जाती है, क्वांटम थ्योरी का यूज किया जाता है। क्योंकि क्लासिकली तो आप देखोगे तो जो स्पेसिफिक हीट है उसकी टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटम मैकेनिकली जो थ्योरियां दी गई थी उन थ्योरीज के आधार के ऊपर ये पता करना पड़ेगा कि वो ये जो आपके क्वांटम मैकेनिकली या फिर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उनके साथ में उनका मैचअप कैसे हो रहा है, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट निकाले गए वो सही है या नहीं, या फिर वो मेथड्स जो कि क्लाउड क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा दी गई तो वो भी इनकी व्याख्या करते हैं या नहीं करते उसके बारे में। तो सबसे पहला इसके जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मेथड था वो किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा। परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक
और ये प्रमाण क्या होते हैं आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या होते बंधित होते हैं। पर उसमें क्या बताया कि जो आंशिक आलोचना से फिर भी ये बताया कि किसी न किसी जितने भी परमाणु है ना वो सब क्या होते एक दोलित्र की तरह होते और स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं दोलन करते हैं। क्या करेंगे वो फ्रीली मतलब किसी के दबाव में मतलब नहीं किसी और के साथ में डिपेंडेंसी के आधार के ऊपर उनके अंदर ऑसिलेशन नहीं होते वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्या करते हैं ऑसिलेशन करते हैं और ऑसिलेशन करते हैं ना तो देखो अभी दोलित्र है ऑसिलेशन करेंगे तो उनके ऑसिलेशन के जो ये दोलित्र है उनकी ऊर्जा भी क्या होगी प्रत्येक दोलित्र की ऊर्जा भी क्वांटीकृत ऊर्जा होगी क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये दोलन कर रहे हैं तो दोलित्र के रूप में तो देखो जो क्वांटम थ्योरी उसमें आइंस्टीन ने ये बताया कि कोई भी सॉलिड है उसके अंदर जितने भी परमाणु है वो एक प्रकार से क्या होते हैं क्वांटम दोलित्र की तरह बिहेव करते हैं और क्वांटम दोलित्र है तो आपको मालूम क्वांटम टेक्निकली किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी जो होती है ऊर्जा वो क्या होती है क्वांटीकृत होती ठीक है। और साथ में उसने ये बताया कि प्रत्येक दोलित्र जो होता है वो क्या करता है एक स्वतंत्र दोलित्र की तरह या स्वतंत्र दोलन करता है मतलब उसके जो वाइब्रेशन या फिर उसके जो ऑसिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते इनडिपेंडेंट ऑसिलेशन होते हैं और स्वतंत्र रूप से क्या करता है दोलन करता है। तो उस आधार पे जो आंशिक दास ने ये बताया कि ये जो सॉलिड है सॉलिड के जो अणु है या परमाणु है वो एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव करने लग गए आदर्श गैस के अणु या परमाणु की तरह क्योंकि आपको मालूम है आदर्श गैस के अंदर ही अणु या परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्टेड नहीं होते उनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है बहुत अधिक होती है ठीक है ना उनके बीच में तो किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन होता है और उनका जो आयतन भी होता है वो भी क्या किया जाता है पूरी गैस की तुलना में क्या माना जाता है नगण्य माना जाता है। तो उस कंडीशन में इसके अणु या परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से फ्री होते हैं उसी तरीके से जो कोई भी सॉलिड होगा उसके भी अणु या परमाणु क्या होते हैं एक दूसरे से फ्री होने के कारण क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं और इनकी ऊर्जा जो है क्वांटम मैकेनिकली जो क्वांटम सिद्धांत के आधार के ऊपर इनकी ऊर्जा जो है ऑसिलेटर की आधार पर इनकी ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से लिखी जाती है एवरेज एनर्जी ई बार बराबर एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस वन। देखो एक फॉर्मूला जो है आप पढ़ते होंगे एनर्जी टोटल एनर्जी ई बराबर क्या होता है एन एच म्यू के बराबर होता है आपको एवरेज एनर्जी निकली लिखनी है तो ई बार बराबर आप क्या लिखोगे ई अपॉन एन यहां से ई क्या आ जाएगा एच म्यू। पर एक चीज ध्यान रखना कि जो एवरेज एनर्जी जो होती है एवरेज एनर्जी के अंदर ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी होते हैं ना उसको भी आप एन बार किससे लिखते हो क्वांटम मैकेनिकली इसका जो जिसको ज्ञात किया जाता है वो एच म्यू के टी माइनस के वन नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है ना मतलब पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है क्वांटम मैकेनिकली इस फॉर्मूले द्वारा निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले का भी इसमें क्या किया जाता है यूज किया जाता है ठीक है ना। अब ये देखिए ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर किसी पर्टिकुलर अणु या परमाणु की क्या है ये औसत ऊर्जा है जिसमें ई बराबर क्या है एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस सॉरी वन के द्वारा दी जाती है। अब देखो ये तो क्या है वो देखो एक अणु या परमाणु की क्या है औसत ऊर्जा ओनली वन एक अणु या परमाणु की क्या है ये औसत ऊर्जा। अगर मान लीजिए कि जो आपने जो सॉलिड लिया है उस सॉलिड की स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है क्या होता है तीन। देखो स्वतंत्रता की कोटि आप नॉर्मली देखोगे तो अगर कोई भी परमाणु या अणु है अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वगैरह अंदर पढ़ा हो सके यूनिट के अंदर तो सही ढंग से देखा जाए तो जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो किसी भी परमाणु के लिए जो है दो टाइप से दी जाती है एक तो मोनोएटॉमिक के लिए दी जाती है डाई एटोमिक के लिए दी जाती है।
मोनो एटम एटॉमिकली अपन लिखते हैं तो उसमें सिर्फ परमाणु के पास में सिर्फ क्या होते हैं एक ही टाइप के, और कोई मोनोटॉमिक से मतलब ये आपके पास पूरे पदार्थ के अंदर क्या है एक ही अणु या एक ही टाइप के परमाणु है उनके अंदर, तो उस कंडीशन में उसके पास में जो गति होती है वो ओनली फॉर ओनली स्वतंत्र स्थानांतरित गति होती है जो कि तीन पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्वतंत्र रूप से कर सकती है, इस वजह से उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी होती है। लेकिन अगर किसी सॉलिड के अंदर या किसी पदार्थ के पास में दो एटम्स हो, दो परमाणिक मॉलिक्यूल्स हो जिसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है टेम्परेचर के आधार के ऊपर उसके अंदर क्या होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होता है बदलता रहता है। एक तो उसकी स्थानांतरण गति तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसकी होगी होगी, पर बाकी जो दो गतियां और उसके बाद होती है, एक तो वो क्या कर सकता है रोटेशन कर सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है अपनी स्थिति के हिसाब से वाइब्रेशन कर सकता है। तो इस आधार के कारण उसके पास चार और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, पर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है आप जिस जैसे उस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस आधार पर। लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर ओनली एक ही परमाणु के बारे में अभी तक आपने पढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में इसमें क्या इसकी स्वतंत्रता की कुटिया की क्या ली जाएगी तीन ले जाएगी, ये क्या कर सकता है तीन पर्टिकुलर एक्सेस के सापेक्ष थ्री डायमेंशन के अंदर फिगर भी ये क्या कर सकता है गति कर सकता है, इस वजह से इसकी स्थानांतरण गति के कारण इसके पास में क्या होगी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जब इसके पास तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और आपके पास में जो सॉलिड है उसमें टोटली कितने एन परमाणु है, तो उस कंडीशन के अंदर टोटल क्रिस्टल की औसत ऊर्जा क्या होगी या फिर एक क्रिस्टल के अंदर जो ऑसिलेटर होंगे उन ऑसिलेटर की दोनों तरफ की औसत एनर्जी को आप किस प्रकार से लिखो, तो दोनों तरफ की औसत ऊर्जा अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में क्या है तीन, तो ई बार बराबर क्या आ जाएगा थ्री H mu upon e की power H mu upon e t minus k। तो ये अब number of particle अगर आपके पास n है तो energy कुल energy क्या हो जाएगी e बार बराबर e n h mu upon e की power H mu upon k t minus k, ये आपकी क्या हो जाएगी इसकी total energy हो जाएगी। अब देखो आपको total energy पता चल गई, total energy पता चल गई तो इस condition में आप क्या कर सकते हो इसकी स्पेसिफिक हीट एक एक कांस्टेंट वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, मतलब आपके पास में जो वॉल्यूम है उसके अंदर जितने परमाणु हैं उनका अगर आयतन या फिर पूरी गैस सॉलिड का अगर आयतन आपके नियत है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होगा वो होता है आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से अब आपको टोटल एनर्जी मालूम है तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले के आधार के ऊपर आप क्या कर सकते हो स्पेसिफिक हीट को भी ज्ञात कर सकते हो, तो स्पेसिफिक हीट सी भी इसी से क्या होगा डेल ई अपॉन डेल टी। अब ये का मान रखेंगे इसके अंदर तो डेल बाय डेल टी थ्री एन एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू के टी माइनस, ठीक है डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो सी बराबर क्या आ जाएगा थ्री एन एच म्यू तो पहले से बाहर आ गया, अब एक माइनस का साइन ऊपर अपॉन नीचे क्या जाएगा ई एच म्यू अपॉन के टी माइनस वन का और इस पर, ठीक है अब इसके अंदर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर क्या आगे मल्टीप्लाई में क्या जाएगा ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी, फिर अब देखो इस ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का हो गया, अब एक्सपोनेंशियल के अंदर भी क्या आपके पास में टेम्परेचर के टर्म उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस के एच म्यू अपॉन के टी स्क्वायर, ये हुई बात। अब देखो थोड़ा सा सिंपलीफाई करो इसको तो जो मिल जाएगी सी भी बराबर थ्री एन एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपके क्या आ जाएगा ई एच म्यू अपॉन के टी अपॉन ई एच म्यू अपॉन के टी माइनस वन का, ठीक है अब देखो इसके अंदर अब इसमें क्या होगा एक तो के का ऊपर गुणा कर दो एक के नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहां से आप एन के को क्या लिख सकते हो इसके अंदर
एक मोर गैस के लिए और वन मोर गैस एन के लिए तो आपके क्या आ जाएगा आर, और साथ ही साथ में अगर एच मी हो अपॉन टी को हम क्या मान ले सॉरी के को अगर थीटा है जो कि क्या होता है आइंस्टीन तो उस कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा सीमी से बस थ्री आर पोस्टिंग में थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन ई माइनस वन का होल स्क्वायर अब देखो ये समीकरण जो है ये समीकरण कौन सा समीकरण है ये आपके जो आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी है उस क्वांटम थ्योरी के आधार के ऊपर जो अलग अलग तरीके के ठोस होते हैं उन ठोसों के लिए स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन है और इसके लिए जब ग्राफ बनाया गया टेम्परेचर के साथ में स्पेसिफिक हीट का इस फॉर्मूले के आधार के ऊपर तो वो जो ग्राफ था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ साथ में किस तरीके से ग्राफ हुआ इस तरीके से देखिए देखो जो क्लासिकल थ्योरी के उस आधार के ऊपर जिसकी वैल्यू क्या है थ्री आर फिक्स है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के उसके आधार के ऊपर ग्राफ इस तरीके से मिल रहा था ठीक है अब देखो जो आइंस्टीन की थ्योरी जो थी उस आधार के ऊपर जो ग्राफ था वो कैसे इस तरीके से मिल रहा था एक हाइट ये क्या आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये जो है ये क्या आपकी आइंस्टीन की थ्योरी का ग्राफ है अब देखो अब आप देखो इसके अंदर आपके पास दो केस हो सकते हैं उन दो केस के आधार पर इसके अंदर क्या है कॉन्ट्रावर्सी आ जाती है एक विरोधाभास आ जाता है एक विरोधाभास ये आ जाता है कि हायर टेम्परेचर के ऊपर तो क्या है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और क्लासिकल रिजल्ट दोनों को शो कर रहा है पर आप लोअर टेम्परेचर के ऊपर देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के क्या है बराबर नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के सापेक्ष में वो क्या हो रही है एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे डिक्रीज हो रही है उसके लिए हम इसके लिए दो केस पढ़ेंगे तो दो केसों में आप देखो सबसे पहला केस इसके फर्स्ट केस फर्स्ट केस में जब आप किसके ऊपर उच्च ताप पर तो उच्च ताप पर टी का मान क्या हो जाएगा वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा आई तो उस कंडीशन थीटा आई अपॉन टी जो होगा वो क्या होगा वेरी वेरी लेस देन ठीक है तो उस कंडीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा आई अपॉन टी जो है वो इसके सूत्र क्या हो जाएगा 1 प्लस थीटा आई अपॉन टी के बराबर आ जाएगा ठीक है तो देखो ये आपके पास में इसकी वैल्यू है इस मान को आप किसमें रखोगे इस इक्वेशन में रखोगे ठीक है तो इस इक्वेशन के अंदर इस मान को रखोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी सी वी इज इक्वल टू थ्री आर कोशन में वन प्लस थीटा ई अपॉन टी और सी वी बराबर क्या देगा थ्री आर क्योंकि थीटा या अपॉन टी क्या है वेरी वेरी लेस देन वन है जब ये वेरी वेरी लेस देन वन है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट का मान क्या आ जाएगा थ्री आर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिशर स्ट्रक्चर हो या कोई भी जालक हो गए वो उच्च ताप पर तो क्या करेगा पैरेलिक रिजल्ट इसको क्या करेगा शो करेगा और क्लासिकल रिजल्ट को भी वो क्या करेगा शो करेगा लेकिन वहीं पर जब हम क्या करते निम्न ताप करते टेम्परेचर का मान क्या हो जाए कम हो जाए मतलब न्यूनतम टेम्परेचर के बजाय मिनिमम टेम्परेचर पर जाए सेकंड केस इन निम्न ताप पर क्या होगा थीटा ही क्या हो जाएगा वेरी वेरी ग्रेटर देन टी से क्या हो जाएगा आंशिक टेम्परेचर का मान अधिक हो जाएगा तो ये अधिक होगा तो कंडीशन में ई की पावर ई थीटा ई अपॉन टी प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा ई थीटा ई अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा ठीक है और उस कंडीशन में जो सी वी है वो क्या आ जाएगा थ्री आर थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन
तो आप देखो कि जो न्यूनतम टेम्परेचर की तरफ जब भी हम जा रहे हैं तो उस कंडीशन के आप देखो कि जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली रूप से डिक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे यहाँ पे जो रिजल्ट दिए गए थे मैटर्स के, तो उन आधार पे देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, मतलब टी क्यूब के रूप में ग्राफ को टेंपरेचर के साथ में क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मान जो है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे ये पता चलता है कि ये ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को निम्न ताप पर तो क्या नहीं करता है, फॉलो करता है, मतलब उच्च ताप पर तो इसकी वैल्यू जो है ये ग्राफ जो है या फिर ये मॉडल जो है ये क्या करता है, प्रायोगिक परिणामों को प्रदर्शित करेगा, पर निम्न ताप के ऊपर ये क्या नहीं कर सकता, प्रायोगिक जो प्रायोगिक रिजल्ट है उनको ये प्रदर्शित नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण ये था कि ये जो निम्न ताप के ऊपर फॉलो करता है लॉ को और उस ताप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को शो नहीं करता, इसका मेन कारण ये था कि जो आइंस्टीन था उस आइंस्टीन ने क्या किया था, जो गैस के या फिर बोस के अणु के बोसों के अणु उनको क्या माना था, स्वतंत्र दोलक के रूप में माना था, स्वतंत्र दोलक के रूप में मानकर उसके जो ये थ्योरी निकाली गई थी उसी थ्योरी के उसी के कारण जो थे ये मॉडल जो था, ये किस प्रकार ये मॉडल जो है ये क्या भी शो करता है, निम्न ताप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनको शो नहीं करता है। क्योंकि रियलिटी में आप देखोगे तो जो सॉलिड होगा उसके अंदर जो अणु या परमाणु होंगे वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, किसी न किसी प्रकार से बॉन्ड बंधित होते हैं, और बंधन के दौरान ये दोनों क्या करते हैं, एक समान रूप से क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। अकेले या स्वतंत्र रूप से इनके अंदर क्या होते हैं, दोलन नहीं होते हैं, एक स्वतंत्र रूप से दोलन से मतलब क्या, ये एक दूसरे से क्या है, फ्री है, ये एक दूसरे से फ्री नहीं होते, ये एक दूसरे से अणु या परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो युग्मित हो गए तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं कर सकते, एक स्वतंत्र रूप से अपने आप में क्या नहीं कर सकते, दोलन नहीं कर सकते। इस वजह से ये थ्योरी जो है वो निम्न ताप पे फेल हो जाती है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को पूर्ण रूप से ये क्या नहीं करती है, शो नहीं करती है। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो ये जो कमी थी, ये जो युग्मित रूप से जो दोलक थे या जो स्वतंत्र दोलक वाली जो कमी इसके अंदर पाई गई थी, इस कमी को किसने दूर किया था, डिबाई ने दूर किया था, और इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिकली उसके लिए भी उसने क्या किया था, स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला दिया था जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।